प्रदूषण से बचने के लिए जाहिर है आप तरह तरह के तरीके अपनाते होंगे, मास्क लगाते होंगे या फिर सुबह शाम टहलने जाते होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण केवल खुले स्थानों या बाहर ही नहीं होता, बल्कि आपके घर के अंदर भी होता है, और घर के अंदर का ये प्रदूषण आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। इस बात का खुलासा शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में हुआ है। केवल बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी है प्रदूषण। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि PM 2.5 सुरक्षा स्तर से दोगुना अधिक घरों में पाया गया है। घर, अस्पताल और ऑफिस का प्रदूषण भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बाहर का। ऑफिस में प्रदूषण, कॉर्पोरेट ऑफिस पूरी तरीके से एयर कंडीशन्ड होते हैं, जिसमें वेंटिलेशन की समस्या रहती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। रिसर्च में पाया गया है कि ऑफिस के अंदर PM 2.5 बाहर के मुकाबले दो गुना अधिक है। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर, मच्छर भगाने वाला स्प्रे और धूम्रपान भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे ऑफिस की हवा बाहर की हवा के मुकाबले अधिक प्रदूषित हो जाती है। मल्टीप्लेक्स में प्रदूषण, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक पाई गई है, जिससे यहाँ की हवा भी सांस लेने लायक नहीं है। इसके अलावा यहाँ काफी मात्रा में फंगी, बैक्टीरिया और वायरस पाए गए हैं। अस्पताल में प्रदूषण, अस्पतालों में बायो एरोसोल्स की मात्रा अधिक पाई गई है, जो तेजी से बीमारी फैलाते हैं। यहाँ वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की मात्रा भी काफी अधिक पाई गई है, जो यहाँ की हवा को जहरीला बनाते हैं। घर में प्रदूषण, घर में भी रिसर्च के दौरान PM 2.5 का स्तर काफी अधिक पाया गया, जो फेफड़ों के जरिए शरीर में जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ बाहर ही नहीं, घर की हवा भी काफी जहरीली हो चुकी है। अंदर के प्रदूषण से बचने के तरीके वेंटिलेशन की सही सुविधा और हवा फिल्टर करने वाले पौधे हैं, जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए। शराब, ड्रग्स और धूम्रपान से भी खतरनाक है प्रदूषण। रिपोर्ट में प्रदूषण को धूम्रपान, शराब और ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में घुले कण अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वार्षिक सेफ सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के भीतर होते, तो भारत के लोग 4 साल 3 महीने अधिक जी पाते। प्रदूषण औसत जीवन प्रत्याशा दर में 1 साल 8 महीने की कमी कर रहा है। ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धूम्रपान इसके मुकाबले कम खतरनाक है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदूषण से जीवन के 1 साल 8 महीने कम हो रहे हैं, धूम्रपान से जीवन के 1 साल 6 महीने कम हो रहे हैं, शराब और ड्रग्स से जीवन के 11 महीने कम हो रहे हैं, असुरक्षित पानी और स्वच्छता से जीवन के 7 महीने कम हो रहे हैं। यानी कि आपको अब सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी प्रदूषण से लड़ने की जरूरत है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।